तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रिव्यू पे। और आज मैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाला हूँ ना भाई, उस मूवी का नाम है राणा रंगम और उस मूवी को हिंदी डब वर्जन में नाम रखा गया है डॉन रिटर्न। और ये मूवी 2019 में आई थी। और अगर इस मूवी के बारे में बात करें कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो इस मूवी को भाई बिल्कुल मिस मत करना। और ये मूवी एक मास एंटरटेनिंग एक्शन मूवी है और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा एक्शन रोमांस। और इस मूवी को भाई IMDb पे 5.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की और गूगल यूजर ने इसे 92% के लाइक्स दिए। और इस मूवी को देखने के लिए भाई आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, कम से कम लगभग 2 घंटे का। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुधीर वर्मा ने और उनका जो डायरेक्ट करने का तरीका है ना भाई, वो बहुत अच्छा लगा है। और इस मूवी की अगर कास्टिंग की बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे शर्वानंद, कल्याणी प्रियदर्शन, काजल अग्रवाल और राजा चंबुलू। और ये मूवी आपको भाई बिल्कुल बोर नहीं करेगी। और इस मूवी में भाई जो शर्वानंद का कैरेक्टर है ना भाई, वो बहुत ही ऑसम है, क्योंकि जिस तरह का उनको लुक दिया गया ना भाई, एक तरह से डेंजर वाला। क्योंकि भाई जब मैं इस मूवी को देख रहा था ना, तो पहचान ही नहीं पाया कि ये शर्वानंद है। और जब पास से मूवी फ्यूचर में चलती है ना, तब पता चलता है कि भाई ये कैरेक्टर ऐसा कैसे बन गया। और भाई इस मूवी में ना भाई मेकअप आर्टिस्टों की भाई तारीफ करना बनती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उसे लुक दिया ना, एकदम भाई डेंजर वाला। और उनका डायलॉग डिलीवरी करने का तरीका, और भाई इस मूवी में उनकी एक्टिंग मुझे बहुत बेस्ट लगी है। इस मूवी की जो स्टोरी है ना, वो कुछ ज्यादा घुमा फिरा के दिखाई गई है और लास्ट में पता चलता है कि भाई असली कल्प्रिट कौन है। और भाई इस मूवी को देखते टाइम ना मेरे को विद्युत जायसवाल की यारा मूवी की याद आ गई, क्योंकि जब मैं इस मूवी को देख रहा था ना, तो इन दोनों की कहानी मुझे बहुत ही सिमिलर लगी। और इस मूवी की अगर स्क्रीन प्ले की बात करें ना, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले भाई बहुत अच्छा है। और जहां पर देवा बोलता है ना कि तुम भूल गए हो कि देवा कौन है, तो भाई इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस मूवी की अगर स्टोरी के बारे में बात करें, तो इस मूवी में जो शर्वानंद के दोस्त होते हैं, वो एक सिनेमा के पास टिकटेक ब्लैक करते हैं। और वो जिस चौल में रहते हैं ना, वहां पे पानी बहुत कम आता है। और जब पानी बहुत कम आता है ना, तो वो जाते हैं कॉर्पोरेटर के घर पे, और वहां से जब टैंक लेके आते हैं अपनी चौल में, तो उसके कुछ गुंडे आ जाते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और फिर पुलिस वाले उसे पकड़ के लेके जाते हैं। और जब शर्वानंद और उसके दोस्त आते हैं ना, तो वो पीने का प्लान बनाते हैं, तो उनको वहां पता चलता है कि भाई अपने स्टेट में दारू बंद हो चुकी है। और वहां से शर्वानंद के दिमाग में आता है, अगर सोचो हम दूसरे के स्टेट से दारू लेके अपने स्टेट में बेचे तो कितना मुनाफा कमाएंगे। और वो जब इस धंधे में कदम रखते तो कैसे उनकी प्रॉब्लम भर जाती है, लेकिन उनका व्यापार भी भर जाता है, लेकिन उनके दुश्मन बहुत भर जाते हैं। और उसके जितने भी दोस्त होते हैं, वो एक एक करके सारे दोस्त उससे दूर होते चले जाते हैं इस बिजनेस में कदम रखते ही। लेकिन शर्वानंद बोलता है कि मुझे इस बिजनेस से छुटकारा चाहिए। और अगर इस मूवी के अगर बेस्ट सीन के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी के 2 सीन है जो मुझे बहुत बेस्ट लगे। जब शर्वानंद स्पेन में रहता है, तो उसको मारने के लिए कुछ गुंडे भेजे जाते हैं। और वो जब लिफ्ट में जा रहा होता है, तो वहां पे उस पर वार किया जाता है। और भाई इतनी तरीके से वार किया जाता है ना, मैंने तो देख के सोच लिया था कि मैंने कहा भाई ये तो टपक गया। लेकिन भाई जब वो उठता है ना और चारों बंदों को लिटा देता है, तो भाई वो वाला सीन एक तरह से बेस्ट सीन लगा। और इस मूवी का दूसरा सीन जो पास्ट में होता है, जब ये और इसकी बीवी जब हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं, तो शर्वानंद और उसकी बेटी मंदिर में जाते हैं, और वहां पे जब नारियल फोड़ता है ना, और नारियल फोड़ते भाई एक तरह से ब्लास्ट होता है गाड़ी का, भाई वो सीन मुझे बहुत ही अलग लगा। ऐसा सीन मैंने अभी तक किसी मूवी में देखा भाई, सबसे एक्सलेंट सीन लगा वो मुझे इस मूवी का। और अगर आपको ये मूवी देखनी है ना, तो इस मूवी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।